शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है. सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल, साल एक, एक एक साल पहले बुक हो जाते हैं भाजी. फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं, जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता जो, क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता वो. गूगल कहाँ से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको. परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कॉन्टेक्ट करें. वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है. हेलो, हाँ जी, कहाँ तक, चौक तक आगे, वही खड़े भाई. अच्छा, वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला. आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया? अच्छा, जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी, ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूँ तेरी आज. अच्छा, बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना भाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं. हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना, तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में ले जाएगा वो, तू पानी डाल. अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो 8 लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है. अच्छा, सामने तो एक बार में 2-3 आदमियों को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते, कोई और लेना ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का. कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं, अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना, तो पीठ पे मुक्का मारती, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल. कई तो इतने कंजूस होते अपने बच्चे को ना, ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं, बच्चा संतरी रंग का सुसू कर रहा होता है. अपना ये चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है, हाँ, ये जेब में मिठाई भर लेता है पता है. हाँ, अभी किसी की शादी में गया, चोरी तो चोरी, हाँ चोरी नहीं, वैसे ही हक से लेता है. वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज, 4 गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहते ले 4, 8 तो मेरी जेब में. कई लोगों को सारी बीमारियां शादी में याद आती है, बिल्कुल कड़ाई पनीर से एसिडिटी हो गई. जैसे पहले तुझे कभी हुई नहीं थी पदौड़े कहीं की. ये पदौड़ा मैंने पहली बार सुना. होते हैं कई. अच्छा, हर शादी में ना भाजी एक 80-85-90 साल की अम्मा जरूर होती है, किसी ना किसी घर में मिल जाती, नहीं होती तो किसी की मांग लेते हैं. अच्छा, उनको मतलब वैसे चाहे सारा साल ना उनको कोई पूछे, उस दिन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सारी रस्में उन्हीं को पता होती हैं. तो फिर ऐसे में ना अम्मा बड़ी शानी होती, कई बड़ी चलाक होती हैं. हाँ, वो अपना फायदा करवा लेती हैं. उनको पूछा अम्मा और कौन सी रस्म बाकी है, तो एक रस्म बाकी है मिष्ठान चढ़ाई, इसमें बूढ़ी महिला को चांदी के चम्मच से जब मलाई खिलाते चम्मच भी उसको दे देते. अरे शादियों में टेंट वालों को बड़ी जल्दी होती, पता नहीं किस चीज की. अभी दुल्हन रो रही बेचारी, मूड बना रही है, क्योंकि रोना कभी कभी नहीं आता है ना, तो बाप गले लग रहा, तो पीछे टेंट वाला भाई साहब 3 जग नहीं मिल रहे. अबे तू बेड़ा गर्क तेरा, वो दुल्हन लेके जा रहे, तेरा जग थोड़ी लेके जा रहे. अच्छा भाई, ये सच है, कभी कभी जो शादियों का सीजन होता है ना, तो बैंड वालों ने 3-4 शादियां पकड़ी होती हैं, जैसे 6-8 का टाइम दे दिया, 8-10, 10-12, तो 6 बजे वाले टाइम की जो शादी होती है ना, उसको टिका के बोलते हैं वो, कि पूरा आगे माइक वाइक लेके पीछे बैंड रखा होता है, और बहुत ही खूबसूरत शादी का माहौल है, तो आपको गाना अर्ज कर रहे हैं. आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी. अच्छा, यही जब दूसरी बारात तक पहुंचते हैं, आगे तीसरी को टाइम दिया होता है 10 बजे, फिर इनका गाना फास्ट हो जाता है. आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, ओ कैसा लगता है मेरे दिलदार. अच्छा भाजी, शादियों में खाना बड़ा वेस्ट होता है, पर हमारा सौभाग्य कि हमारी शादी में हमने एक एनजीओ ने कॉन्टैक्ट किया फीडिंग इंडिया करके, तो वो लोग क्या करते हैं, जितना भी शादियों में खाना बच जाता है वो खाना जो है इकट्ठा करके वो गरीबों में बांटते हैं. तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनका काम देख के, और हमने दिल से उन्हें अप्रिशिएट भी किया, और आप लोग भी कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब भी आपके घर में कोई खुशी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती, लेकिन किसी के लिए वो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसा ज़रूर करें आप जितना हो सकता है.
भाजी कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, बहुत सारी स्टेट से लोग आए। हर एक की शादियों में अपने अपने तरह के रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने तरफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि चलो बात मुद्दा छिड़ा है तो आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई है मेरे दोस्त कोई? जी भाई साहब, आज दिसंबर में पूरी टी शर्ट पहन के घूम रहा है। तेरे ये क्या बनवाया बाजू पे, क्या बनवाया हुआ है? हाँ जी, हनुमान जी का मूर्ति बना रहा। अच्छा, मूर्ति नहीं, टैटू। टैटू बना। मेरा एक दोस्त था बचपन में ना, उसने ऐसे छोटा सांप बनवाया था। हाँ सर। तो बड़ा हुआ तो सांप बड़ा ही नहीं हुआ, वो उतरे रहे। ये छोटे वाले टैटू के साथ प्रॉब्लम है, बड़े वाले की मैंने आपको बताई है पाजी। बड़ा अजगर बनाओ ना, जब बॉडी बिल्डर जो होते हैं इतना डौला, इधर ऐसे पूरा ड्रैगन बना लेते हैं, तो जब जिम जाना छोड़ देते ना तो वो ड्रैगन की ना वो सुंडी बन जाती है। तो जो ड्रैगन यहाँ पे बना होता है ना, फिर ड्रैगन धीरे धीरे आपके बगल में आ जाता है और फिर पसीने की बदबू से बाकी का भी मर जाता है। अच्छा, मुद्दा क्या था आपका, क्या हुआ? हमारे दोस्त की भाई की शादी थी और हम वहाँ पे गए हुए थे और हम लोग खूब डीजे पर डांस कर रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच जो हमारे दोस्त का भाई था वो घोड़े पे बैठा था और किसी बच्चे ने घोड़े के पीछे जाकर एक पड़ागा फोड़ दिया। पड़ागा फोड़ दिया? पड़ागा फोड़ दिया उसके पिछवाड़े तो फिर। किसी बच्चे ने जाकर घोड़े के पीछे पटाखा फोड़ दिया और घोड़ा दूल्हे को लेकर चला गया। फिर इसके बाद खोजते पता चला एक झाड़ी में मिला, किसी तरह हम लोग लेके रहे। क्या कर रहे शादी? पर ये पता क्या, अब तो हम लोग हंस रहे बाजी। मेरा भी एक दोस्त है, उसकी शादी हो रही थी तो उसने 500 रुपए के बम लिए पटाखे, बोलता इधर नहीं फोड़ने, लड़की वालों घर के सामने, उनको पता चलेगा हमारी हाईफाई बढ़ाता है। पाजी वहां पे जाके ना सेहरा बांधा हुआ और शरारती पूरा, तो जैसे ही पैलेस के बाहर पहुंचे ना तो सेहरा उठा के बोलता शुरू हो जाओ। पाजी ने बड़ा वाला अनार चला दिया पटाखा और ऊपर पेड़ था, वो घोड़ी ने ऐसे टांगे उठाई, टप पगड़ी उसकी आंखों पे आ गई बाद में ना इधर। उसको फिर दिखाई नहीं दे रहा था कहां कौन है, खुद नीचे गिरा, घोड़ी भाग गई। और अब हम लोग ये बातें सोच के हंस रहे हैं, लेकिन कितना कितनी बुरी बात है। इस चीज का भी ध्यान रखा करें कि आप शादी करने जा रहे हैं और किसी जानवर को बेचारे को कष्ट पहुंचा के जा रहे हो, बद्दुआ निकलेगी क्या फायदा, बीवी फिर ऐसी मिलेगी आपको। फिर इससे अच्छा है भाई जानवरों का भी ख्याल रखो। तो पटाखा नहीं फोड़ना आगे से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा तू, लवली। और कोई मेरे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब, ये आप सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आए आप? सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ 3 साल से। यहीं कहाँ? इधर सीढ़ियों पे। पिछले साल की बात है, मेरे एक दोस्त की शादी थी तो हम 5-6 दोस्तों ने मिलके फैसला किया कि हम सेम टाइप की पजामा और कुर्ता पहनेंगे। हमने खरीद लिया, हम वहाँ पहुँचे, जब मैंने खोला तो देखा मेरे पजामे में नाड़ा ही नहीं है। आपका नाड़ा किधर गया? पता नहीं, उसे दिया ही नहीं था जिससे मैंने लिया था। अच्छा, तो फिर? तो अब मैंने देखा ऐसे पकड़ के कैसे? तो मैंने वही किया। अच्छा। वहाँ पे एक नाल रखा हुआ था जो हाथ पे बांधते हैं। अच्छा, वो जो हाँ लाल रंग लाल कलर का होता है, तो मैंने वो लिया और पूरे पजामे बांधे, पता इतना ढीला था कि बार बार पजामा नीचे जा रहा था। पूरी शादी में मैं ऐसे ही घूम रहा था, ना मैं नाच पाया ना मैं खा पाया ढंग से। यार हाथ छोड़ के नाचते ना तो आपका लीवेज दिखता। सर मैं और मेरी वाइफ भी आई है, हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं। कैसे हैं आप? आपकी लंबर जो ये? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से, मतलब आप कहाँ से बताया था? उड़ीसा से। और आप भी उड़ीसा से ही हैं? हम लोग स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा, मुझे जानना जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं उनको कब जाके रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? सर ये एक्चुअली हम लोग स्कूल कॉलेज सब क्रॉस कर चुके थे, हम लोग गेट टुगेदर पे मिले थे। नहीं कॉलेज तो क्रॉस, लिमिट कब क्रॉस की? मतलब प्यार मेरा मतलब है ये कब पता चला आपको कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है? पहले फ्रेंड्स थे, तब शादी की उम्र हो गई तो अब लगा कोई तो चाहिए। तो मतलब कोई भी? और बॉन्डिंग अच्छी थी तो हो गई शादी। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की, आप खुश रहिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कहने का मतलब है कि शादी के ऊपर कितनी भी बातें कर लो उतनी कम है। सोनी वालों ने इतना खर्चा किया, अंग्रेज आ रहे हैं हमारा शो देखने। हाय, दिस इज कपिल शर्मा। सिद्धू जी वेरी फेमस,
हमारी जनरेशन का गालिब यू डोंट नो वेरी पॉलिटिशियन एवरीवेयर इंडिया दिल्ली पाकिस्तान ऑल्सो अरे काहे जुबान को इतना कष्ट दे रहे हो सीधा सीधा कहो तुम सच्ची के अंग्रेज हो कि किसी ने तुम्हारी फुल बॉडी ब्लीच कर दी है दरअसल हमारी माँ फिरंगी थी ओके वो इंडिया में घूमने आए थी ओके तो उनके पीछे एक डीट नकारा लुचा इंसान पड़ गया ओ माँ ने उनसे शादी कर ली चलो व्हाटएवर हुआ जो भी हुआ तुम निकलो अपना बैग लेकर चलो अरे इसे कैसे निकलेंगे हम इस मोहल्ले में रहने आए हैं रहने नहीं देना हमने एक बार अंग्रेजों को मौका दिया था पूरे देश में कब्जा कर लिया तुम लोगों ने देशद्रोही अब रिस्क नहीं लेंगे हम साइमन गो बैक अरे हम साइमन नहीं हमारा नाम रॉबर्ट पासवान है और वैसे हम इंग्लैंड वाला अंग्रेज नहीं हूं हमारे लिए जो अफगानिस्तान से उस तरफ के ना सारे अंग्रेज हैं चलो निकलो यहां से नहीं निकलेंगे निकलो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं इतना चिल्लम चिल्ली लगा के रखा है यार पीछे हमारी भैंसिया घबरा गई है डर गई है इतना डर गई है उसका गोबर अटक गया है यार अगर कप्पू शर्मा अगर हमारी भैंसिया को कब्ज हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं साथ में तुम्हारा अनुपम भी नहीं अरे तुम्हारा पूरा अनुपम खैर ही नहीं अरे यार देखा यार डांटने ने भी किस तरह हमने जॉक्स को घुसेड़ दिया यार क्या अद्भुत टैलेंट पाया है हमने ए भाई ये क्या चीज है ये अंग्रेज कहां से आ गया अरे कहता मैं इस मोहल्ले में रहूंगा इसको वो बोलो साइमन गो बैक बोलो उसको अरे अरे हम साइमन नहीं हमारा नाम रॉबर्ट पासवान है अरे हम ओबामा हैं ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये सिद्धू पाजी हैं सिद्धू जी के चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि सिद्धू पाजी को कोई चेंज नहीं कर सकता सिद्धू पाजी थे सिद्धू पाजी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए इंकलाब जिंदाबाद अंग्रेजों भारत छोड़ो अरे हम अंग्रेज नहीं है अमेरिकन हूं अमेरिकन OMG अमेरिका मतलब CIA एजेंट जेम्स बॉन्ड अब जेम्स बॉन्ड कहां से आ गया है ब्रिटिश ही है यार अरे जेम्स बॉन्ड कहीं से भी आ सकता है हमको पता है उसको कोई टिकट का जरूरत नहीं है पासपोर्ट का जरूरत नहीं है वीजा का जरूरत नहीं है उसे तो टोल नाका भरने का भी जरूरत नहीं है अच्छा वो अच्छा टोल नाका क्या होता है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली तुम लोगों ने तुम लोगों को टोल नाके का नहीं पता नहीं देशद्रोही अपने कपड़े दो बैग दो घड़ी दो कैमरा दो और निकलो यहां से एक मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा ओ माय गॉड अंग्रेज ओ माय गॉड फोटो खींचो मेरी यार ठीक है अंग्रेज पहली बार देखा खींचो खींचो बहुत सारी चीजें जो तू पहली बार देखेगा अभी बिना छेद वाला अंडरवेयर तुझे देखना है तड़के वाली दाल तुझे अभी देखनी है ये तो उस दिन मशरूम को देख के बोल रहा है इतना छोटा सा छाता कौन लेके जाता है तो चले अपना फोन जेब में डाल उसको बोलो बाहर निकले चंदू जो देखना है जल्दी देखो यार अंग्रेज को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग तू मोटा भाई ए ओए फिर मोटा यार डायरेक्ट मत हुआ करो ऐसा थोड़ा तो घुमा के बोलो ना बात और कितना घुमाऊं तुम ऑलरेडी कितना चारों तरफ घूमे हुए हो और मेरी बात सुन ये बताओ कि तुम इसको बाहर क्यों निकालना चाहते हो अरे क्योंकि हमारे घर में माँ बहने हैं माँ बहन को घर से बाहर निकालो कहने का ये मतलब है कि अपनी माँ बहन को बाहर निकालो बाहर की दुनिया दिखाओ उनको भी अपग्रेड करो यार अंग्रेज अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है यस तू इस गोरे की इतनी साइड क्यों ले रहा है साइड नहीं ले रहा हूं मैं फायदे की बात कर रहा हूं मैं कैसे ये इधर रहेगा तो हमें अंग्रेजी में खबरें पढ़ के सुनाएगा हाँ हम तुम्हें सारी खबरें पढ़ के ही बताएंगे हाँ? और जिस दिन तुम्हारी साली लेके भाग गया उस दिन तुम्हें खबरें पढ़ के कौन सुनाएंगे मैं सुनाएगा ना मैं सुनाएगा अरे यार हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं इसने हमारी साली को भगा भी लिया खबर भी छप गई हो क्या रहा है यार ये बहुत टेंशन है तुम निकलो भाई तुम निकलो अरे
हमने ही इसने भगाई। मैंने कहाँ भगाया, मैंने तो खबर खबर तो ये पढ़ रहा था। अरे अभी खबर छपी नहीं है, मैंने कहाँ से पढ़ दी। अरे तुम तीनों हमको कंफ्यूज कर रहे हो यार। तुम तीनों निकलो, जाओ सब लोग जाओ निकलो। जीजू क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे 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 तुम घर घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ, मोहल्ले में अंग्रेज आए आए, घर के अंदर जाओ जाओ। हाय ब्राउनी, बच्चा जी की साली। हाय अंग्रेज, अगर तुमने हमारी साली को छेड़ा ना तो एक मिनट, ये तुम्हारी साली? हाँ। अरे इसमें छेड़ने वाला है क्या? सवाय हो तो के। ओए ओए ओए, इंटरनेशनल भेजी थी अमेरिका से आके, अब तुम्हें यहाँ 10 मिनट रहने की छूट है। रहो। हाँ तो हम ऐसी बातें डेली करेंगे, बस हमें यहाँ रहने दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं रहने देंगे, हमको यहाँ अंग्रेजों का पता है यार। छोटे छोटे कपड़े पहन के ना धूप में लेट जाते हैं, मोहल्ले की औरतों का लिहाज भी नहीं करते ये लोग। अरे वो विटामिन डी लेते हैं जीजू। वाह, मसाला भी हमसे लेते हैं, विटामिन डी भी हमसे लेंगे। कोहिनूर हमारा ले गए, हमारी माधुरी दीक्षित ले गए। विटामिन डी हमारा नहीं होता, वो सूरज से लेते हैं। वाह, आज सूरज का विटामिन डी ले रहे हैं, कल सूरज का बरजातिया ले जाएंगे और हम क्या देखते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तुम लोगों को किसी ने ये नहीं बताया कि विटामिन डी का कैप्सूल भी आता है? ऐसे चड्डी पहन के उल्टे मुंह रेत में लेट जाते हो, फिर ऐसे से रेत निकालते हो। तो मेरी बात सुनो, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये उल्टा होकर रेत में नहीं लेटेंगे, इधर धूप में नहीं लेटेंगे, आप इधर ही रहेंगे। धूप में नहीं लेटेंगे? नहीं लेटेंगे। तो फिर क्या फायदा? अंग्रेजों बाहर जाओ। एक मिनट, तुझे बड़ा नंगे अंग्रेज देखने तुम्हें? अरे यार ये क्या बोल, हमको यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो भारत छोड़ो और तुम भी ना हमारा घर छोड़ो, मतलब पाले पोसे हम, खिलाए पिलाए हम, और विटामिन डी लेते हुए तुम्हें इन्हें देखना है। चालसाज, फरेबी, धोखेबाज, टपोरी, चुप चुप। ए, ए, बहुत सारा आदमी। ये देखो वो भी डायरेक्ट हो गए अब तो। लाइन में रहो। हाँ चंडू। हाँ जी। समझावा नहीं तने? मैं समझाता हूँ, मेरी मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो नहीं मान रहे, मेरे मुंह पे मना कर दिया उन्होंने। ए, समझाओ यार। बच्चा ये हमारे देश की इकोनॉमी का सवाल है, इनको इधर रहने दो। ये देखो अगर ये इधर रहेंगे तो हम डॉलर को नीचा और रुपए को ऊंचा दिखाएंगे। अगर डॉलर नीचे तो बाद में जाएगा, देखो तुम्हारा जिप नीचे चला गया है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, निकलेगा यहाँ से। ये इनको बाद में बाहर निकालना, पहले अपनी जिप बंद करो। धोती पहना है, उल्लू मत बनाओ, जिप बंद करो। ये क्या जीतेंगे यार, मुझे बैंड बना रही है, उनको धोती बना रही है। अरे कैसी बातें कर रहे यार, तुमसे अच्छा इस बड़ी होम वाली से सेटिंग कर लेते। मेरी भूरी के बारे में ऐसा सोचते तुम? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, भूरी मांगोगे तो चीर देंगे। ये ले आपने 200 रुपए। खबरदार भूरी के बारे में ऐसा बोला तो। तुझे शर्म नहीं आती? तूने से 200 रुपए लिए थे? मैं 200 रुपए देखकर बहक गया था, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। नहीं चिंगारी। पीछे पीछे। देखा? हाँ, कम से कम आधा घंटा और देखेंगे। ए, ईम, हमारी सिस्टर है। ओ, तूने पहले बताया नहीं साले? किसको गाली दी? गाली नहीं, रिश्ता है, जैसे बीवी ऐसे साला, ऐसे उस हिसाब से। हाँ बाय द वे भैया, आपको चोट नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ ना? अरे हाँ लगी तो नहीं लगी, लगी चोट तो नहीं लगी, नहीं चोट नहीं लगी। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं यार। अरे हम एक मिनट भाई, हो हम सबको पीछे करके इससे क्यों चिपक रहे हो भाई? क्यों क्यों नहीं?
सारी खुदाई एक तरफ, जोरू को भाई एक तरफ। आपको लगी तो नहीं? कैसी जोरू? ये कैसी तुम्हारी जोरू? जिसने पहले देखा उसकी। ऐसा नहीं होता है, जिसने पहले सोचा उसकी और हमने पहले सोचा। जीजू मैं दीदी को बता दूंगी। अरे नहीं, सोचना है कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। एक काम करो ना, तुम 100 रुपया रखो और अपने 25 रुपए का मुंह बंद रखो बस। जीजू इसने बोला, उसने बोला, आप कुछ नहीं बोलेंगे? इतने सालों में मुझसे ये नहीं सेट हुई, आप तो फिर भी ब्यूटीफुल हैं। सीधी सी बात है। थैंक यू बट कौन इसको निकाल रहा है यहाँ से? कोई भी नहीं निकाल रहा, ये बच्चा निकाल रहा था। कौन? नहीं नहीं, हम कहाँ निकाल रहे थे। हम तो एक बार कुर्ता पहन लेते हैं, उसको एक महीना निकाल नहीं पाते। हम क्यों निकालेंगे यार इस नौजवान को? ये चंदू निकाल रहा था। नहीं, मैंने निकाला था। मैं तो अगर निकालूंगा तो सिर्फ इसको गाली निकालूंगा, और मैं कुछ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। अरे तुम सभी निकाल रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पे ही नहीं है। अरे उस समय हमें तुम्हारी बहन का नया नक्शा नहीं ना पता था, उस हिसाब से। आई लव यू एंड आई लव योर सिस्टर टू। जीजू हेलो चिंगारी, माई सेल्फ कपिल शर्मा, हाउ आर यू? देखिए माई सेल्फ बच्चा यादव, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ रहिए। आई एम अ फैमिली मैन, हमारे घर में आइए आप। आप हमारे साथ रहिए, मैं अकेला रहता हूँ, आपको डबल बेड मिलेगा, आप चाहे मेरे साथ सिंगल पे सो जाना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहीं भी रहिए लेकिन विटामिन डी टाइम टू टाइम लेते रहना। बड़े भैया आप मेरे घर चलो, मेरा घर खाली है। आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हमारे पास अपना घर है, तब भी हमारे घर रहो। हमारे घर पे रहेंगे ना, आपके घर पे क्यों रहेंगे? अबे तेरे घर पे क्यों रहेंगे, हमारे घर पे रहेंगे। पीछे आप हमारे घर में रहिए, आप हमारे सुनिए।